60 स्टूडेंट्स थे. ओह. उसमें से एक मैं हूँ, एक और है मेरे ख्याल से, एक असिस्टेंट बन गया, तो तीन चार ही हैं. वो बोलते थे कि है ना, आप जब तक ट्रेनिंग कर रहे हो, वी आर पॉलिशिंग यू, वी आर ग्रूमिंग यू, तो आप बाहर मत जाओ, मिलो मत. और आई वॉज लाइक, मुझे तो जाना ही है. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर. मेरे साथ हैं संयोग, जो कि एक एक्टर हैं और इस समय एक्ट करें सीरियल विक्रम और बेताल एक रहस्यमय कथा में. वेलकम टू joinfilms. थैंक यू. संयोग, क्या करेक्टर है इसमें आपका भी? इसमें मैं कैरेक्टर के प्ले कर रहा हूं एक किंग का, जो कि अभी हम फ्लैशबैक में बताएंगे. जब विक्रम और बेताल है ना, एक गाँव में पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति बने हुए हैं, और वहाँ जाके बात करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन कोई बोलता ही नहीं है. हर बच्चे को हमेशा विक्रम बेताल फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है. जब छोटे होते हैं, अब कॉमिक्स पढ़ते हैं, कहानियों में देखते हैं, आज वही रोल प्ले कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले आई गेस पुराने विक्रम बेताल संडे को आता था DD1 पे, राइट. तो मतलब मैंने कभी मिस नहीं किया उसमें. मुझे याद नहीं है कौन से एक्टर्स प्ले करते थे, आज वो काफ़ी सीनियर एक्टर्स होंगे, मतलब सीनियर हैं होंगे, मैं कभी याद भी नहीं मिला नहीं. बट आई एम वेरी यू नो फीलिंग लाइक वेरी अमेजिंग कि आप शोज में काम कर रहे हो जो आप देख चुके हैं और जो आपको पसंद है, तो बड़ा अच्छा लगता है. मतलब कभी सोचा नहीं था कि आप करोगे इसी तरह की चीज़ें. हाँ, मतलब हम है ना कि जब बचपन में होते हैं तो हम कभी सोचते नहीं कि हम जाके कुछ ऐसा करेंगे जो आपको बहुत पसंद है. ओके. तो लेकिन कब सोचा जो आपको बहुत पसंद है, यानी कि एक्टिंग की, ये करना है मुझे? मतलब देखा जाए तो मैंने मतलब अपने ना कॉलेज टाइमिंग में आके मोस्टली फर्स्ट ईयर के अराउंड मैंने प्लान किया होगा. बचपन से मुझे शौक है, आई वॉज लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ टीवी, कि भाई टेलीविजन चालू है और उसमें जो वो एक्ट कर रहे हैं वो करना है, गोलियां चला रहे हैं तो वो चलाना है, फाइटिंग सीक्वेंस करना है. बहुत सारे मैंने फर्नीचर तोड़ दिए घर के छोटे में. ओके. बहुत मार भी, मतलब प्रैक्टिस चल रही थी. हाँ, तो माय फैमिली इज लाइक कि भाई उसको जाना ही है. तो मतलब दे वर लाइक टोटली प्रिपेयर्ड कि वहाँ उसका मन उसी में है. तो ऐसा है कि फिर मैंने कॉलेज लाइफ में आके सोचा, फिर धीरे धीरे प्लानिंग हुई, बिकॉज मुंबई में आना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज यू नीड स्पेस, यू नीड कि भाई आपका कोई सपोर्ट सिस्टम हो, और आपको नए शहर में जाना, बिकॉज फ्रॉम आई एम फ्रॉम अ वेरी यू नो स्मॉल टाउन. कहाँ से आप? ग्वालियर है. ओके. तो वहाँ से निकलना और फिर इतनी बड़ी सिटी में आना, वो अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ आके, आपको देखना पड़ता है किससे मिलना है, क्या करना है, सब कुछ नया होता है, सब कुछ नया है. तो जब आपने एक्टिंग का प्लान किया, मुंबई आ गए, तो कोई ट्रेनिंग वगैरह की आपने? हाँ, मैंने ट्रेनिंग की थी, क्योंकि ऑफकोर्स ना जब कोई नया आता है तो उसको लगता है कि उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है. बड़े हाँ ट्रेनिंग की मैंने, जैसे एक्टर प्रिपेयर से, तो एक महीना ही गया मैंने फुल टाइम कोर्स, 3 महीने का लिया था, बट मैं गया 1 महीना. उसका रीज़न ये है कि वो बोलते थे कि है ना, आप जब तक ट्रेनिंग कर रहे हो, वी आर पॉलिशिंग यू, वी आर ग्रूमिंग यू, तो आप बाहर मत जाओ, मिलो मत. और आई वॉज लाइक, मुझे तो जाना ही है. उसको भी समझना, बाहर की इंडस्ट्री को भी. ऑफकोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मेरे साथ, मेरे बैच टोटल बैच वेट में आई वॉज लाइक 31 बैच एंड देयर इज 32 बैच, 60 स्टूडेंट्स थे. उसमें से एक मैं हूँ, एक और है मेरे ख्याल से, एक असिस्टेंट बन गया, तो तीन चार ही हैं. दो ने एक्टिंग छोड़ के असिस्टेंट बन गए हैं, एडी डायरेक्शन में चले गए हैं, और हम दो लोग हैं जो एक्ट कर रहे हैं. ओके. तो चार लोग ही बचे हैं. तो जो आपने बीच में ही कोर्स के ऑडिशन देने शुरू किए, वो आपको हेल्प किया उस चीज़ ने? ऑफकोर्स बहुत मदद किया, क्योंकि क्या है कि आपको उतना टाइम मिल गया. मतलब जैसे अगर देखा जाए, अगर मैं 3 महीने बाद स्टार्ट करता, तो वो मैंने 1 महीना मैंने वहाँ गया, क्लास में गया, उसके बाद ही तुरंत स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास वो 2 महीने में मैं समझ गया कि कैसे क्या वर्क करना है. आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया. हाँ. अब जिन लोगों ने 3 महीने बाद स्टार्ट किया, कुछ घर चले गए, उनकी तो दुनिया नहीं होगी, अरे क्या हो गया. हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि आपका उस कमरे के अंदर की एक अलग दुनिया है जहाँ आप सीख रहे हो, क्योंकि आपको कंफर्टेबल है सारी चीजें, आप जाते हो वहीं क्लास में, वहीं आपको एक्ट करना है 10 लोगों के बीच में, वही 10 लोग है, 10-15 दिन में आप फ्रेंड्स हो जाते हो, तो आप उन्हीं के सामने एक्ट करते हो, नए लोगों के सामने, और 20-25 लोग बैठे हैं ऑडिशन रूम में, और आपको वहाँ उनके सामने ऑडिशन देना है, तो वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप उस चीज़ को समझ जाते हो.
देन आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीज, क्रिएटिव से कैसे बात करनी है, कास्ट डायरेक्टर से कैसे बात करनी है, वो सारी चीज़ आप समझ जाते हो, कैसा वर्क एक्सपीरियंस होता है। और ये फील्ड भी सीख सकते हो आप? हाँ, वो तो ऑफ कोर्स वो तो फील्ड में ही सीख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब कोई बच्चा बोलता है कि एक्टर बना, तो घर वाले ही बोलते हैं भाई पढ़ाई कर लो, कोई डिग्री कर लो, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी था? हाँ, मेरे साथ भी था। मेरे घर वालों ने भी बोला कि भाई पढ़ लो, जैसे ग्रेजुएशन किया, फिर ग्रेजुएशन के साथ मेरा CA चल ही रहा था। ओके, ग्रेट। आई वाज परस्यूइंग CA, बट सी द थिंग इज दैट इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी है, जहाँ आप जाना चाहते हो आप वहीं पहुँचते हो। सम हाउ आई रीच्ड हियर, क्योंकि बट मेरा ये है कि CA फाइनल छूट गया। मैंने दो अटेम्प्ट दिए, हाँ, लेकिन वो जब क्लियर नहीं हुए। तो CA का ऐसा है कि कई लोग हैं जो 10-10 साल तक अटेम्प्ट देते हैं। राइट। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय, आई नीड फ्रीडम इन माय लाइफ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर आज अच्छा लग रहा है ना? ऑफ कोर्स आई एम टोटली सैटिस्फाइड, आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। मुझे तो एक्टिंग करने में सबसे ज़्यादा मजा आता है। ओके, तो अब एक ट्रेड सीक्रेट बता दो कि जब घर वालों को मनाया कैसे, क्योंकि बहुत सारे नए एक्टर को प्रॉब्लम रहती है, घर वालों को मनाया कैसे, पटाया कैसे कि मुंबई जाना, क्योंकि सभी लोग डरते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबके पेरेंट्स अलग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सोचने का तरीका अलग है। मैं जब इंदौर में पढ़ता था तो मैं सर्च करता रहता था, जैसे तब भी फोन्स तो आ ही गए थे, मेरे पास भी थे, टच स्क्रीन फोन थे, सर्च करता रहता था क्या ऑडिशन है क्या है। तो मैं इंदौर से स्पेशली ऑडिशन देने मुंबई आता था। बस से आता था, वहाँ से बस चलती है, ओवरनाइट बस चलती है, बसें चलती हैं, वहाँ से आता था, पूरा मुंबई देखता था, अकेले घूमता था मैं। जैसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था मलाड किधर है, अंधेरी किधर है, आज तो बहुत छोटा लगता है, आपने जगह देख ले तो बहुत छोटा लगता है, हाँ ठीक है, हम तो 15 मिनट पहुँच जाएंगे, आधा घंटे पहुँच जाएंगे। तब तो ऐसा लगता था भाई अमेज्ड, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और सी साइड देख कर, जुहू देख कर, तो मैं आता था। तो वो पैशन देख के मेरी फैमिली को लगा कि नहीं यार, ही इज़ वेरी पैशनेट। ओके, मतलब जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो तो घर वाले भी कन्विंस हो जाते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको पैशनेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, दिस इज़ लाइक है ना, इसमें आपका हार्डवर्क, लक, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, अगर आप पैशनेट नहीं हैं और आप पैशनेट नहीं होंगे तो आप पेशेंट नहीं होंगे। राइट, और कंटिन्यू एफर्ट नहीं करेंगे। हाँ, कंटिन्यू एफर्ट नहीं करेंगे। आपको कब काम मिलेगा यू नेवर नो। राइट, क्योंकि मैं भी जब आया था तो मैं पूरा साल भर घूमता ही रहा, नहीं मिला काम, नहीं, मैं सब जगह सर नॉट फिट, आई एम नॉट फिट। तो मैंने अपना माइंड ही मेकअप कर लिया था, मैं नॉट फिट सुनने जा रहा हूँ। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जब पहला झापड़ पड़ता है दर्द होता है, फिर दूसरा पड़ता है दर्द नहीं होता। मैं माइंड ही मेकअप, हाँ सर, हाँ नॉट फिट, हाँ पता ही, अंडरस्टूड है। दैट टाइम आई वॉज लाइक ह्यूज इन बॉडी वाइज, बिकॉज यहाँ आके फिर डाइट एंड ये सब चीजें जो एक पर्सनालिटी एक्टर के लिए जरूरत है, जो जरूरी है, उस टाइम तो मैं एकदम मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज हो रहा था, क्योंकि वहाँ तो बॉडी बिल्डिंग इज लाइक हैवी, मास होना चाहिए, साइज होना चाहिए। राइट, तो फिर उसके बाद मैंने जैसे जैसे लोगों से मिला, लोग बोलते, कुछ बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी मिले जिन्होंने मुझे काफी चीजें सजेस्ट की, उन्होंने समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी ये कमी है। ऐसा नहीं है कि मिलते हैं लोग, मिलते हैं, बट आपको कंटिन्यूसली एफर्ट करने की जरूरत है। तो एक साल में कितने ऑडिशन के बाद, जो पहला ऑडिशन पास किया, कितने हो चुके थे? मैंने ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 365 दिन में, कम से कम 300 दिन में ऑडिशन पे गया होगा, 300 से 400 बार मैंने नॉट फिट सुना होगा। ओके, ज़्यादा ही सुना होगा, क्योंकि मैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम बहुत ईगर होते हैं कि जल्दी से जल्दी काम मिले। राइट, उस टाइम एकदम थपा, नॉट फिट, हाँ नॉट फिट, चलो ठीक है, और कहाँ है, अच्छा उधर है, वहाँ जाते हैं, वहाँ नॉट फिट। तो पहले तो यही था, जैसे मुझे कम से कम ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद काम मिला। डेढ़ साल बाद तो अगेन यहीं पे बात आ गई कि पैशनेट होना जरूरी है, हाँ, तभी आप कर पाओगे। आप पैशनेट नहीं हो तो आप पेशेंस। पहला रोल कौन सा मिला था? मैंने पहला रोल किया था सागर पिक्चर्स का, किया था जी टीवी का रामायण के में अक्षय कुमार का। ओहो, आई वाज लाइक, और नहीं, उससे पहले भी मैंने एक बहुत छोटा काम किया था, उस टाइम VLCC के एड का किया था, और बहुत बहुत कन्विंस पे किया था मैंने, मतलब पहला काम मुझे सिर्फ कन्वेंस पेमेंट में कन्वेंस मिला था। ओके, बट आई वाज सो हैप्पी, राइट, कि हाँ काम मिला और उसका आपको रिम्यूनरेशन मिला, व्हाटएवर इट इज, व्हेदर इट इज कन्वेंस, बट आई वाज सो हैप्पी। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, फैमिली को बताया, चांस की बात है वो नहीं रिलीज हो पाया VLCC का एड, बट लेकिन वो मतलब मेरा एकदम
ये था टर्निंग पॉइंट कि आपको और मोटिवेशन मिल गया नहीं यार मिल सकता है मैं कर सकता हूँ। ओके ग्रेट। और आप क्या क्या कर चुके हो आप इतने दिनों में? जैसे मैंने शुरुआत किया था जी टी वी के रामायण से, फिर मैंने कहा मधुबाला किया, उसके बाद 1.5-2 साल मैंने महादेव किया, देन उसके बाद उसके साथ साथ ब्रदर्स फिल्म की थी, वो मेरी पहली फिल्म थी, दैट वाजंट दैट मच सिग्निफिकेंट बट फॉर एन एक्सपीरियंस पर्पस इट वाज नाइस। राइट। उसके बाद मैंने फिर चंद्र नंदिनी किया, उसका शुरुआत मेरे से ही हुआ था, आई वाज लाइक आई प्लेड सूर्यगुप्त ओके इन चंद्र नंदिनी बालाजी का। उसके बाद मैं फिर सिया के राम भी किया, देन अभी मैं झांसी की रानी कर रहा हूँ, इसमें मैं भीमा प्ले कर रहा हूँ, और ये तो चल ही रहा है, विक्रम बेताल मैं करता ही हूँ okay. तो पसंद भी है, आई नो एवरीवन, तो और सब फ्रेंड्स की तरह ही हैं अब तो इतने टाइम बाद, पूरी यूनिट एंड इवन डायरेक्टर्स एंड एवरीवन, तो यहाँ ये तो करता ही हूँ। और बाकी सनी देओल के बेटे के साथ फिल्म की है मैंने अभी, हाँ वो 19 जुलाई को रिलीज है, पर्पल दिल के पास। ओहो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? फन, बिकॉज उसका उनका ऐसा है कि सनी देओल इज लाइक वेरी, मैं उनके लिए वर्ड नहीं है मेरे पास, मतलब ही इज लाइक वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी नाइस, मतलब आई गेस नाइसेस्ट। अच्छा, जो स्क्रीन इमेज है उनकी एकदम गुस्से वाली, उससे बिल्कुल नहीं, ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज वेरी हम्बल। अगर आप वो एक तो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर वो एक्सप्रेशन और स्माइल उनके फेस पे रहती है, उसी से वो बोलते हैं ज़्यादा है। ओके। एंड ही इज़ लाइक वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत हमने मतलब दिल्ली स्केड्यूल किया, फिर अभी भी या मुंबई में भी किया था, अभी दिल्ली स्केड्यूल था उसमें मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मैं शो, क्योंकि उनकी फिल्म को बहुत टाइम हो रहा था, शूट होने में टाइम लग गया, तो मैंने ये शो झांसी की रानी ले लिया तो मैं नहीं जा पाया। मन था मेरा जाने का क्योंकि वो एकदम पिकनिक टाइप लग रहा था मुझे शूट करना, कि भाई एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, जा रहे हैं, था एवरीवन लाइक फैमिली टाइप हो गया, इतने 8-9 महीने 10 महीने में साथ में रहते हो, हाँ साथ में रहते हैं, और आउटडोर में जितना ज़्यादा आप साथ में रहते हो उतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो लेकिन ठीक है, बट लेकिन जानते हैं सनी सर से जाओ मिल लो, वही बहुत है, वही बहुत है। सर लास्ट में जो भी नए आने वाले एक्टर्स हैं या मैच्योर एक्टर्स हैं उनको आप क्या बताओगे अपने एक्सपीरियंस से, क्या ध्यान रखें? मैं तो ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले सिर्फ देखकर फेम देखकर ना आए, उससे बेटर है कि आपको उतना पैशनेट होने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पैशन से ही आप इस फील्ड को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि सिंपल फंडा इस फील्ड का, पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, पैशन और पेशेंस दोनों, हाँ दोनों ही चाहिए, नहीं तो आप जैसे एक साल आपको कोई काम नहीं मिला तो पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस चाहिए उस चीज़ के लिए, पैशन इज मस्ट, कि आपको बस करना है तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। वो एक इम्पोर्टेंट, कई लोग होते हैं कि नहीं मेरे पास तो डिग्री है मैं जॉब भी कर लूँगा तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं इस काम को लेकर। राइट, प्लान एक ही होना चाहिए। हाँ प्लान ऑफकोर्स एक ही प्लान होना चाहिए कि मुझे यही करना है तो यही करना है, तो वो है। दूसरी चीज़ आए समझें, लोगों से मिले, कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं, आजकल लोगों का माइंड सेट एक अलग होता है कि हम ऑडिशन से काम नहीं मिलता, ये भी बोलते हैं, ऑडिशन से काम नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है, मुझे तो ऑडिशन से ही मिलता है। आप जब परफॉर्म करोगे या आपका टैलेंट देखेंगे तो ही आपको काम देंगे, और फिर एक बार काम मिलता है तो फिर काम मिलता ही मिलता है, फिर काम से काम मिलता है, काम से काम मिलता है। थैंक यू सहयोग, थैंक यू सो मच सहयोग। ओके, तो ये था सहयोग, इन्होंने अपनी पूरी जर्नी को आपके साथ बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंटली शेयर किया, और ये बताया कि अगर आप किसी छोटे शहर से भी आते हैं तो भी बॉलीवुड में आप अपना सिक्का जमा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर पैशन हो और पेशेंस भी हो, क्योंकि काम हो सकता है शुरुआत में आपके मन अनुसार ना मिले, जल्दी ना मिले, तो आपको पैशनेट के साथ साथ पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। दूसरी बात यह कि जब सोच लें तो एक्शन लेना शुरू करें, जैसे उन्होंने एक्शन लिया, इंदौर से सीधे मुंबई आते थे सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन देने के लिए, उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए। ये होता है एक माइंडसेट एक्टर का, कि वो खुद सेल्फ डिसीजन ले कि नहीं मुझे बाहर की दुनिया को भी समझना है, ऑडिशन रूम को भी समझना है, कास्टिंग डायरेक्टर को भी समझना है, इसके लिए खुद ही एफर्ट करना पड़ता है, इसमें कोई दूसरा आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आखिरी बात एक और बताई कि काम सिर्फ ऑडिशन से ही मिलता है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।
ऑल द वेरी बेस्ट। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।